हे हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोगों। और यार आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इस चीज़ की। ये है मेरे पास लाप केयर का विनर प्रो। बेसिकली एक लैपटॉप कूलिंग स्टैंड है, मैं आपको इसे भी पूरा डिटेल में दिखाता हूँ। तो चलिए अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। मैं इसका आपको पूरा ओवरव्यू दूंगा, लाइक इसमें आपको क्या क्या मिलता है, कितने फैंस है, RGB भी इसमें, तो RGB के सारे मोड्स भी हम चेक करेंगे। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों अभी हम इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं और इस डब्बे को आप देख सकते हैं कुछ ऐसे आगे लैप केयर है। ये हमारा कूलिंग पैड, इसमें आपको एक फ़ोन स्टैंड दिखता है यहाँ पे, विनर प्रो जो कि इसका नाम है। और पीछे आपको स्पेसिफिकेशंस मिलती हैं, अमेजोन से आया तो उसी की ऑर्डर डिटेल्स वगैरह हैं। और यार यहाँ पे इसकी एक सील है, तो हमारे पास एक कैंची है बहुत बड़ी, तो अभी हम इस कैंची से सील को काटते हैं और फिर इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। सो लेट्स बिगिन। और ये हमने काटा परफेक्ट। सो इसका ये निकल आया है और अभी हम इसे निकाल रहे हैं। और ये बाहर आया हमारा कूलिंग पैड। और ये देखो कुछ ऐसे आता है, इसमें बबल रैप है। बबल रैप बहुत ही बढ़िया चीज़ है, आप इसे फोड़ सकते हो टाइम पास के लिए। अब हम बबल रैप के अंदर से निकालते हैं अपना कूलिंग पैड। ओके सो गाइस, ये कुछ ऐसा है, इसमें आप देख सकते हो ये बेसिकली आपके लैपटॉप को सपोर्ट के लिए, ताकि आपके लैपटॉप नीचे स्लिप ना हो, ये उस काम आता है। इसमें आपको एक छोटा सा स्क्रीन मिलता है, मैं इस पर ऑन करके दिखाऊंगा। इसमें आपको फ़ैन की बढ़ाने की, कम करने की स्पीड है। इसमें आपकी RGB लाइटिंग है और ये ऑन ऑफ का बटन है। और साइड से इसमें पूरी ऐसी RGB एक स्ट्रिप जा रही है, आप देख सकते हो। यहाँ पे दो आपको USB के पोर्ट्स मिल जाते हैं। पीछे पूरे ऐसे मेश डिज़ाइन है ताकि एयर फ्लो बहुत बढ़िया से आता रहे। यहाँ पे आपके रबड़ लगी है ताकि ये स्लिप ना हो आराम से। तो बिल्ड क्वालिटी में अब तक बहुत बढ़िया लग रही है, हैवी है, वेट है इसमें, ऐसे नहीं है कि बहुत हल्का है। और इसमें आपकी हाइट एडजस्टमेंट्स भी है। सो ये देखो, जैसे कि आप इसमें खोल के इसकी हाइट एडजस्ट कर सकते हो, लाइक ये रहा आपका, तो लाइक इससे आप इसकी हाइट इतनी बढ़ा सकते हो अपने लैपटॉप की, आपके एक लैपटॉप स्टैंड का काम भी करेगा। एंड एट द सेम टाइम आप इसकी लाइक हाइट ऐसे कम भी कर सकते हो बिल्कुल। तो थोड़ी बहुत आप हाइट बढ़ाओगे इससे फ़ायदा ही है, बिकॉज आपके नीचे एयर फ्लो उतना मिलेगा, आपका लैपटॉप उतना कूल रहेगा। और आप इससे अलग अलग एडजस्ट भी कर सकते हो, लाइक आप इतना कर सकते हो। तो इसमें 7 एडजस्टमेंट्स हैं टोटल आपके लैपटॉप हाइट के लिए। और ये पीछे से कुछ ऐसा दिखता है, तो अभी मैं आपको इसको ऑन करके दिखाता हूँ। तो गाइज ये पड़ा है हमारा लैपटॉप का कूलिंग पैड, और ये अभी मैंने ऐसे अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर दिया। अभी मैं ऐसे स्टार्ट करके दिखाता हूँ। सो अभी मैं USB केबल प्लग करने जा रहा हूँ, और USB केबल प्लग करती है आपके सामने ऐसी बहुत ही प्यारी सी RGB लाइटिंग आ रही है। मैं अभी थोड़ी देर बाद लाइक इस सीन को शूट करने के बाद इसकी लाइट ऑफ करके इसका सिनेमैटिक शॉट लेने का भी ट्राई करूंगा। और बेसिकली मैं आपको इसके बटन सुनाता हूँ, बटन से होता क्या है। सो फर्स्ट बटन आपका लाइट का, इधर ये बटन दबा के आप लाइट का पैटर्न बदल सकते हो। तो मैं आपको एक बार बदल के दिखाता हूँ। इसकी देखो, ये लाइट अब पूरी रेड हो गई, ठीक है। फिर दिस इज़ ग्रीन नाउ। कैमरे में उतनी अच्छी से आ नहीं रहा, लेकिन रियल में ये लाइट काफ़ी ब्राइट है। जैसे अभी ये लाइट ब्लू हो चुकी है। आफ्टर दैट वी हैव दिस लाइट ब्लूइश कलर। फिर ये पर्पल हो गई। और ये मोड मेरे को बहुत अच्छा लगा, इसमें आपकी लाइट धीरे धीरे बदलती रहेगी, लाइक इट्स ग्रीन ब्लू नाउ, फिर ये आपकी येलो हो गई, फिर ये आपकी लाइट ब्लू हो गई, इट्स पर्पल नाउ। तो ये बहुत ही बढ़िया लाइटिंग लगी मेरे को, बिकॉज यार गेमिंग में लाइट से लाइक बहुत ही अच्छा एम्बियंस बनता है। उसके बाद मैं आपको बाकी बटन सिखाता हूँ। सबसे पहले आपको बटन है प्लस, ये प्लस के बटन से आपकी स्पीड बढ़ेगी। इसमें आपके पास टोटल 6 फ़ैन के एडजस्टमेंट्स, लाइक 6 स्पीड है आपके फ़ैन की, तो आप उन 6 स्पीड में से चूज़ कर सकते हो। लाइक ये है इसकी सबसे स्लो स्पीड, स्लो स्पीड में बिल्कुल भी फ़ैन नॉइज़ नहीं है, और हाई स्पीड में थोड़ा सा आपको फ़ैन नॉइज़ आता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं है, एवरेज एवरेज है। उसके बाद आपके पास एक पावर ऑन ऑफ का बटन, तो इस पावर ऑन ऑफ के बटन को दबाते ही आप जैसे ही पहले बार से दबाओगे तो आपका ये ऑफ हो जाएगा, सारे फैंस आपके ऑफ हैं, सिर्फ लाइटें जल रही हैं। दोबारा हम इसको दबाते हैं तो सारे फैंस ऑन हो जाएंगे। देखते हैं इसे दबा के रखने से कुछ होता है कि नहीं। तो अगर आप इसे होल्ड करोगे तो आपके सिर्फ 3 फ़ैन जलेंगे। लाइक अगर आप ज़्यादा इंटेंसिव काम नहीं करें, लैपटॉप पे गेमिंग नहीं कर रहे, आपको थोड़ी बहुत कूलिंग चाहिए, तो सिर्फ 3 फ़ैन चल रहे हैं अभी। अभी हम इसे दोबारा दबा के देखते हैं तो अभी हमारे दूसरे 3 फ़ैन चलने लगे, आप देख सकते हो, राइट। अभी हम इसे दोबारा इसे होल्ड करेंगे तो आपके फिर से सारे के सारे फ़ैन्स चलने लगे। तो यार ये था इसके बटन्स का। उसके बाद ये थे आपके लैपटॉप स्टैंड, जैसे मैंने आपको बताया, बेसिकली आपके लैपटॉप को सपोर्ट देंगे ताकि वो स्लिप ना हो। आप इसे ऐसे खड़ा भी कर सकते हो, लाइक आप इससे ऐसे हाइट भी सेट कर सकते हो अगर आपको अपना लैपटॉप रेज करना है ज़मीन से, जो कि बहुत ही सही चीज़ है, आपके एक लैपटॉप स्टैंड का काम भी करेगा। और अब मैं आपको लाइट बंद करके भी इसके थोड़े बहुत सीन्स दिखा देता हूँ। तो गाइज़ ये मैंने लाइट ऑफ कर दी, अब आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि इसकी लाइट कितनी है। तो काफ़ी अच्छी खासी लाइट यार, कैमरे में कलर्स उतने ब्राइट नहीं आ रहे, लेकिन एक्चुअल में इसके कलर्स बहुत प्यारे हैं।
तो अभी एक मोड पे मैं आपको इसके आरजीबी वाले मोड्स थोड़े से चेंज करके दिखाता हूँ। सो ये वाला मोड देखो, क्लॉकवाइज लाइटिंग जा रही है, कितना प्यारा है, ग्रीन हो गई। अभी ये दोबारा से कलर चेंज हो जाएगा, एक देखते हैं अब कौन सा रहेगा। तो इट्स ब्लू नाउ, अगले मोड पे चलते हैं। सो ये मोड भी बहुत यूनिक है, इसमें भी बहुत ही प्यारी लाइटिंग आ रही है। एक बार फिर से हम चेंज करके देखते हैं। वन सेकेंड, आरजीबी की बहुत ही प्यारी प्यारी लाइटिंग है। अगर आपके पास एक प्रॉपर गेमिंग सेटअप है, गेमिंग लैपटॉप है, गेमिंग माउस और कीबोर्ड है, तो उसको बहुत ही अच्छी से कॉम्प्लीमेंट करेगा ये। और अगला पैटर्न ये रहा। तो बेसिकली लाइट बंद करने का मेरा यही रीज़न था कि आपको एक बार पता लग जाए कि इसकी लाइट कितनी ब्राइट है। ये भी एक वाइट टेबल पे पड़ा है तो एक्चुअल में इसकी लाइट ब्राइट है और पूरे रूम में आ रही है थोड़ी बहुत, लाइक आपके रूम को थोड़ा बहुत ब्राइट कर देगी, तो काफ़ी बढ़िया लाइटिंग है। तो दोस्तों अभी मैंने अपने लैपटॉप को इस कूलिंग पैड पे रख दिया है और आप देख सकते हो रखने के बाद ही कुछ ऐसा रखता है। मेरा लैपटॉप 14 इंच वाला है और अभी भी काफ़ी जगह बची है दोनों कॉर्नर्स पे, तो डेफिनेटली आप एक बड़ा लैपटॉप भी इस पे रख सकते हो। 16-17 इंच तक का लैपटॉप भी आपका इस पे आ जाएगा, जो लगेगा जो फुल साइज गेमिंग लैपटॉप होता है, रखने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये मैंने अभी इसके लैपटॉप को सपोर्ट करने के लिए जो स्टैंड वो मैंने ऑन कर रखे हैं ताकि अभी लैपटॉप को सपोर्ट मिले। और अभी मैं आपको इस स्टैंड को ऊपर करके दिखाता हूँ, लाइक जो इसमें हाइट एडजस्टमेंट है उसको यूज़ करके थोड़ा सा अपना लैपटॉप लिफ्ट करते हैं, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। सो लेट्स गो, आपको उठाने वाला हूँ। ये अभी बिल्कुल बेस पे है, लाइक बिल्कुल फ्लैट है, तो अभी मैं इसकी हाइट बढ़ाता हूँ। सो हियर वी बिगिन। तो जैसे ये रही इसकी फर्स्ट हाइट एडजस्टमेंट और इसमें टोटल 7 हाइट एडजस्टमेंट्स आपके, तो मैं हाइट एडजस्टमेंट बढ़ा के दिखाता हूँ थोड़ी। सो ये देखो आपकी हाइट एडजस्टमेंट कितनी है, इसमें इतना ऊपर आप अपना लैपटॉप उठा सकते हो, मेरे को लगता है इतना ऊपर उठाना चाहेगा, बट स्टिल आपके पास ऑप्शन है। और अभी भी ये हाईएस्ट पे नहीं है, तो मैं आपको इसके सबसे हाईएस्ट हाइट एडजस्टमेंट पे करके दिखाता हूँ। तो ये रही इसकी सबसे हाईएस्ट वाली हाइट एडजस्टमेंट, तो आप अपना लैपटॉप इतना ऊपर उठा सकते हो स्टैंड की मदद से। आई डोंट थिंक कोई इतना ऊपर उठाना चाहेगा, बट स्टिल आपके पास ऑप्शन है और ये काफ़ी बढ़िया है। और बेसिकली ऊपर उठाने का ये फायदा होता है कि आपके लैपटॉप को नीचे से एयर फ्लो अच्छा मिल जाएगा। तो अभी मैं आपको देने वाला हूँ कूलिंग पैड का एक 360 डिग्री ओवरव्यू। ये अभी मैंने इसके हाईएस्ट हाइट पे कर रखा है, लाइक इससे इतना ही ऊपर आपका लैपटॉप जाएगा। ये सबसे हाईएस्ट हाइट एडजस्टमेंट है इस टाइम पे। और यार केबल्स आपको बहुत ही मैसी लग रही होंगी, बिकॉज मैंने अभी केबल मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं कर रखा, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, उसे इग्नोर करना आप लोग। तो ये रहा हमारा कुछ केबल और ये हमारी बिल्ली है, इस बिल्ली को भी इग्नोर कर देना, ठीक है। तो मैं आपको दूसरी चीज़ दिखाता हूँ, वो बेसिकली ये है कि इसमें 2 USB पोर्ट्स हैं। तो बेसिकली एक और एक्स्ट्रा USB पोर्ट आपको दिख रहा होगा जो कि अभी फ्री है, आप उस फ्री USB पोर्ट में अपना कुछ भी डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो, लाइक उसमें आप उसमें अपना फ़ोन, नहीं फ़ोन तो नहीं, कीबोर्ड या माउस कनेक्ट कर सकते हो, बिकॉज आपके लैपटॉप को भी एक USB पोर्ट यूज़ हो जाएगा इस कूलिंग पैड को कनेक्ट करने के लिए। तो उसको कवर अप करने के लिए इसमें आपके पास एक एक्स्ट्रा USB पोर्ट है, और वो रही मेरी प्यारी बिल्ली, अगर आपको देखनी है तो देख लो, बहुत प्यारी है वो। तो बस ये सब था इस वीडियो में। तो वैसे इस कूलिंग पैड की मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं, और वो है कि आपको इसमें एक फ़ोन स्टैंड भी मिलता है। जी हाँ, बेसिकली आप इसमें अपना फ़ोन साइड में खड़ा कर सकते हो, आपको अपना फ़ोन सरफेस पे फ्लैट आउट नहीं रखना पड़ेगा। और उस फोन का फायदा ये है कि लेट्स से आप वीडियो पे स्ट्रीम वगैरह कर रहे हो, तो आप अपनी लाइव चैट बगल में ही पढ़ सकते हो विदाउट द नीड ऑफ अ सेकंड स्क्रीन। तो मैं आपको एक बार फ़ोन स्टैंड भी दिखा देता हूँ। तो बेसिकली आप इसे पीछे से खोलोगे, ये खुला हमने कूलिंग पैड, तो ये रहा आपका फ़ोन स्टैंड, आपको इसे निकालना पड़ेगा। तो सिंपली आप इसे खींच के निकाल सकते हो ऊपर को, और ये आपने खींचा, ये निकल आया, तो ये आपका इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो कनेक्ट करने के बाद आप इसे ऐसे यूज़ कर सकते हो। मैं आपको एक बार यहाँ पे एक फ़ोन लगा के भी दिखा देता हूँ। तो ये रखा हमने अपना फ़ोन, लेट्स सी, ओह लेट्स सी। तो गाइस ये बेसिकली ऐसे काम करता है, आप यहाँ पे लैपटॉप रखो, फ़ोन आ रहा है, मैसेज आ रहा है, यहीं से पढ़ लोगे, आपको लाइक फ़ोन उठाना नहीं पड़ेगा। आप यूट्यूब पर स्ट्रीम कर रहे हो, बहुत काम की चीज़ है, आपका एक सेकेंड डिस्प्ले काम कर सकता है, आप उस पर अपनी चैट वगैरह पढ़ सकते हो। दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया, और अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की। बेसिकली क्या आपको ये कूलिंग पैड जिसका नाम लैबकेयर विनर प्रो है 2000 रुपीज़ में ख़रीदना चाहिए या नहीं? बिकॉज अगर आप अमेज़ॉन पे ही कूलिंग पैड्स चेकआउट करोगे तो आपको वहाँ पता लगेगा कि कूलिंग पैड 450 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाता है अमेज़ॉन पे, और ये वाला मैंने अमेज़ॉन से 2006 रुपीज़ का लिया। अब 6 रुपीज़ उन्होंने एक्स्ट्रा क्यों लिया मेरे को नहीं पता, 2000 का ही कर दे थे, बट छोड़ो। तो क्या आपको इतना एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना चाहिए इस वाले के लिए? तो बेसिकली उसके लिए ना आपको अपने लैपटॉप का यूजेज समझना पड़ेगा, आप अपना लैपटॉप यूज़ क्यों करते हो। अगर आप उस पर हैवी टास्क करते हो, लाइक गेमिंग करते हो प्रॉपर, मल्टीटास्किंग, वीडियो एडिटिंग, तो वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। या आपके पास एक एक्सपेंसिव गेमिंग लैपटॉप है, लाइक एक फुल फ्लेज RGB वाला लैपटॉप है, तो भी वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। उस केस में आपको एक बढ़िया कूलिंग पैड चाहिए रहेगा, और ये बढ़िया कूलिंग पैड है, वो क्यों मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपका यूजेज कम है लैपटॉप का, आप उसे नॉर्मल स्टफ़ के लिए यूज़ कर सकते हो, लाइक उसे आप वेब ब्राउजिंग, ईमेल्स वगैरह चेकआउट या स्ट्रीमिंग के लिए यूज़ करते हो, तो आपको इतना बढ़िया कूलिंग पैड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज वो उतनी ही जनरेट नहीं करेगा।
ऐसे केस में एक बजट कूलिंग पैड से भी आपका काम चल जाएगा, जो कि आपके लैपटॉप स्टैंड का काम भी करेगा। लाइक वो आपका एक कूलिंग पैड कम लैपटॉप स्टैंड है, ये भी लैपटॉप स्टैंड का काम करता है बहुत बढ़िया। तो डेफिनेटली इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर यूजर, आप अपना लैपटॉप क्यों यूज़ करते हो और उस हिसाब से कितनी हीट प्रोड्यूस करता है। हैवी यूजेज है, गो फॉर दिस। लाइट यूजेज है, मत जाओ, थोड़ा सा पैसे बचाओ, 1300 में बढ़िया कूलिंग पैड आ जाता है। दूसरी बात हम करते हैं कि यार RGB लाइट की, तो बेसिकली इसमें आपको बहुत ही प्यारी RGB लाइट दिखती है। मैंने पूरी वीडियो में आपको RGB दिखाई है सबसे ज़्यादा, क्योंकि सर इसकी RGB एक्चुअल में बहुत सुंदर है। आप लाइट बंद करोगे आपको RGB बहुत ब्राइट लगेगी और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की RGB, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ही लाइक सस्ती RGB, अच्छी दिखती है RGB। उसके बाद हम बात करते हैं इसके फैंस की, तो इसमें टोटल आपको 6 फैंस मिलते हैं। 3 फैंस इसमें एग्जॉस्ट वाले हैं जो कि, और 3 फैंस कूलिंग वाले हैं। अब बेसिकली इनका मतलब क्या है, तो बेसिकली 3 फैंस लैपटॉप पे हवा डालते हैं नीचे से, और 3 फैंस लैपटॉप से हवा नीचे डालते हैं, लाइक लैपटॉप से दूर करते हैं। तो बेसिकली इसमें आपको 2-way एयर फ्लो मिलता है, मतलब हवा आएगी भी लैपटॉप पे और जाएगी भी लैपटॉप से। तो इससे आपके लैपटॉप में बेसिकली प्रॉपर 2-way वेंटिलेशन बना रहेगा, ये सिंगल साइड वाला कूलिंग पैड नहीं है, तो इससे आपका लैपटॉप और ज़्यादा ठंडा रहेगा। तो दोस्तों अगर आप इस कूलिंग पैड की कंपटीशन की बात करोगे सिमिलर प्राइस में, और आप एक सिमिलर कूलिंग पैड देखोगे जिससे 6 फैंस वाले, इसमें 3 कूलिंग के हो 3 एग्जॉस्ट के, तो यार इस प्राइस में आप देखोगे कि जो सबसे क्लोजेस्ट कूलिंग पैड मेरे को लगा, मैंने अमेजोन पे बहुत रिसर्च करी, यूट्यूब पे बहुत रिव्यूज़ देखे, तब जाके मैंने ये लिया, ऐसी कोई सा भी नहीं मंगा लिया। तो इसका जो क्लोजेस्ट कॉम्पिटिशन मेरे को लगा वो आता है कॉस्मिक बाइट की तरफ से, अमेजोन पे अवेलेबल है वो भी 2500 रुपीज़ का। उसमें भी 6 फैंस हैं आपके, 3 फैंस एग्जॉस्ट के और 3 फैंस कूलिंग के, और RGB उसमें भी है, और यार ये खाली 2000 रुपीज़ का। तो डेफिनेटली मेरे को बहुत वैल्यू फॉर मनी लगा। तो अगर आपके पास एक 2000 रुपीज़ है और आप कूलिंग पैड लेना चाहते हो, डेफिनेटली गो फॉर दिस, आप रिग्रेट नहीं करोगे। और इसी चीज़ के साथ आपने वीडियो यहाँ तक देखा उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं आपसे मिलूंगा अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।